हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी जो पेन ड्राइव है उस पर लॉक लगा सकते हैं, उसको सिक्योर कर सकते हैं। जब तक आप अपनी पेन ड्राइव को ओपन करने के लिए लॉक यहां पर नहीं डालोगे तब तक आपकी जो पेन ड्राइव है यहाँ पर ओपन नहीं होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपनी पेन ड्राइव पर लॉक लगा रखा है। ऐसे ही आप जो है अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हैं लॉक लगाकर। अब मैं यहाँ पर आपको लॉक डालकर दिखाता हूँ कि कैसे ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पर मैं अपना जो है पासवर्ड लगाकर यहाँ पर अनलॉक करने की कोशिश करता हूं तो ये जो है अनलॉक हो जाएगी। यहां पर मैंने इसको अनलॉक कर लिया है अपना पासवर्ड डालकर। अब मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर आप जो है बिना सॉफ्टवेयर की मदद से इसको लॉक लगा सकते हैं और यहां पर जो है अपने जो डाटा है उसको सिक्योर कर सकते हैं। अब आपको करना क्या होगा, यहां पर मैं आपको एक बार पेन ड्राइव हटाकर दिखा देता हूं। यहां पर देख सकते हैं यहां पर पेन ड्राइव हटाई, अब मैं फिर से लगा कर दिखा देता हूं। यहां पर मैंने पेन ड्राइव लगा दी है। और एक और खास बात, जब तक जो है इस पेन ड्राइव को अगर कोई फॉर्मेट नहीं कर देगा तब तक जो है इसका डाटा सिक्योर रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही मैं इस अपनी पेन ड्राइव है इसको फॉर्मेट करूंगा, जैसे कि मैं करके दिखा देता हूं। फॉर्मेट करने के बाद जो है यहां पर जो आपका सारा डाटा वो डिलीट होगा, वहां पर आपको भी वो डाटा देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर जस्ट फॉर्मेट करके ही इसका जो लॉक है उसको हटाया जा सकता है और कोई यहाँ पर जो है अदर ऑप्शन नहीं होता कि इस यहाँ पर आपके लॉक को देखा जा सके, यहाँ पर ओपन किया जा सके। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लॉक तोड़ दिया है इसका फॉर्मेट करके। अब मैं आपको बताता हूँ इसका लॉक लगाते कैसे हैं। यहाँ पर आपको जो अपनी पेन ड्राइव पर जो है राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर टर्न ऑन बिट लॉकर का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर आपको इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग बिट लॉकर जो लॉकर है वो अपना काम कर रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा वेट आपको करना है और जैसे ही दूसरी स्क्रीन ओपन होगी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर दूसरी स्क्रीन ओपन हो चुकी है, यहाँ पर आपको जो पासवर्ड डालना है यहाँ पर आपको जो है चेक कर देना है। यहाँ पर एंटर योर पासवर्ड, यहाँ पर आपको पासवर्ड लगा देना है। यहाँ पर मैं पासवर्ड लगाता हूँ। यहाँ पर आपको दो बार पासवर्ड डालना होगा, एंटर योर, यहाँ पर री एंटर भी कर देना है अपने पासवर्ड को। यहाँ पर पासवर्ड लगाने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब आपसे पूछ रहा है अगर आप जो है पासवर्ड कल को भूल जाते हैं तो रिकवरी के लिए अब अपने जो पासवर्ड है उसको सेव टू फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अपने जो डेस्कटॉप पर उसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट भी निकाल सकते हैं अपनी रिकवरी की का, और यहाँ पर सेव टू यूर माइक्रो, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में भी जो है इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने डेस्कटॉप पर इसको सेव करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सेव कर लिया। अब नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पर इनक्रिप्ट यूज डिस्क स्पेस ओनली। यहाँ पर जो है ये पूछ रहा है कि जो अभी आपकी पेन ड्राइव में डाटा है सिर्फ आप उसको लॉक लगाना चाहते हैं या फिर पूरी पेन ड्राइव को लॉक करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं जो अपने डाटा है सिर्फ उसको लॉक करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर मैं उसको लॉक करता हूँ तो ये जो मेरा काम है वो फास्ट जो है हो जाएगा, यहाँ पर जो है स्लो नहीं काम करेगा। और यहाँ पर मैं अभी आपको यही सलाह दूंगा कि आप जो है यहाँ पर फास्ट काम करवाने के लिए तो जो है अपना डाटा को सिर्फ सिक्योर रखिए, डाटा पर ही लॉक लगा के रखिए ताकि जो है अदर स्पेस है उसको यूज़ किया जा सके। यहाँ पर जस्ट आपको इनक्रिप्टेड यूज डिस्क यहाँ पर ही रहने देना है और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर स्टार्ट इनक्रिप्टिंग का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये बिट लॉकर का काम स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं बिट लॉकर ड्राइवर यहाँ पर जो है ये जो प्रोसेसिंग है इसको पूरा होने देते हैं। पूरा हो चुकी है ये प्रोसेसिंग, अब आपको करना क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है कंप्लीट हो चुके हैं। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप लॉक का ऑप्शन आ चुका है। फिर से यहाँ पर मैं पेन ड्राइव एक बार हटाकर फिर से लगाऊंगा तो ये लॉक का निशान है वो बदल जाएगा। यहाँ पर फिर से मैंने लगाई, जैसा कि आप देख सकते हैं लॉक का निशान जो है बदल चुका है। अब यहाँ पर मैं इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे से जो है यहाँ पर अपना पासवर्ड मांग रहा है। यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद जो है आपको अनलॉक पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरी पेन ड्राइव है वो ओपन हो चुकी है। जब तक पासवर्ड अगर आपका कोई नहीं डालेगा तब तक ये पेन ड्राइव सिक्योर रहेगी, आपका डाटा सिक्योर रहेगा। बस आज की वीडियो में आपको यही बताना चाहता था कि कैसे आप जो है यहाँ पर लॉक लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।